ये मौत की दुनिया में एक ऐसी चीज है
इंसान को बहुत सारे गुनाहों से बचा है। अगर आज ही ऐलान कर दिया है कि भाई अब किसी को मौत नहीं है, तो सारी दुनिया में जो भगदड़ बचेगी, जो लूट मार बचेगी, अल्लाह की मदद। बहुत से इंसान इस वजह से गुनाह से उठते हैं कि आखिरत में हमें इंसाफ देना है, मौत आनी है, इसलिए गुनाह से उठ जाते हैं। भाई मौत को कसरत से याद करो और ये हिसाब लगाने का वक्त है जी, ये टोटल करने का वक्त है, ये साल में बदलने का वक्त, खुशी का वक्त नहीं। इसमें हिसाब लगाओ कि हमने पिछले साल कितनी इबादतें की, कितनी तिलावत की, कैसा हमारा साल गुजरा और कैसा गुजरना चाहिए था, और आने वाले साल की भी प्लानिंग करो कि मेरे अंदर ये बीमारियां हैं, मुझे ये चीजें याद नहीं है, मुझे दीन की ये मालूमात सीखना जरूरी है, मैं आने वाले साल में इंशाल्लाह उसको जरूर सीखूंगा। ये प्लानिंग करो, ये प्लानिंग का वक्त है। याद रखो तीन किस्म के लोग होते हैं, एक तो वो जो काम करने से पहले सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, और दूसरे वो जो काम हो जाने के बाद सोचते हैं कि यूं नहीं करना चाहिए था, और एक वो है जो ना काम करने से पहले सोचते हैं ना होने के बाद सोचते हैं, जो हो गया था हो गया। जो काम से पहले प्लानिंग नहीं करेगा वो नाकाम हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा हर लाइन में, हर फील्ड में। इसलिए जरूरी है कि आने वाली जिंदगी के लिए प्लानिंग करो, मंसूबे बनाओ, अपने अंदर की बीमारियों के इलाज तय करो। एक आदमी बड़े प्लानिंग के मकान बना ले, फिर वो घरवालों को पसंद ना आए, उसको तोड़कर दोबारा बनाना ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो वक्त बगैर प्लानिंग और बगैर मंसूबे के गुजर गया, वो वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। बगैर प्लानिंग के मकान दोबारा टूटकर बना बन सकता है, उसको बनाया जा सकता है। भाई मंसूबे बनाओ, आने वाली जिंदगी हमारी उसमें दीदारी का हिस्सा कितना ज्यादा होना चाहिए। अब तक गफलत की जिंदगी गुजर गई, उस पर तौबा करनी चाहिए और आने वाली जिंदगी के लिए लायक अमल होना चाहिए। देखिए दो बातें थी और कितने काम की बातें थी। इस शैतान को हम मायूस कर सकते हैं सिर्फ दो लफ्ज से, सिर्फ दो बातों से, दो जुमलों से हम शैतान को मायूस कर सकते। अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से जिंदगी का जो हिस्सा गुजरेगा ना फरमानियों में, गुनाहों में, अय्याशी में, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं इससे तौबा करता हूं। तो शैतान ने अब तक जितने गुनाह कराए थे उसकी सारी मेहनत पानी हो गई, और आने वाले वक्त के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए अल्लाह से वादा करे, तौफीक मांगे, अल्लाह मुझे तौफीक दे हमारे सालिहा की। शैतान को इन दो जुमलों से बड़ी नफरत है और उसको बड़ी मायूसी होती है, और इसमें हमारे लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। इसलिए भाई बचो इन चीजों से और अपनी आखिरत को याद करो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बताया है, एक शख्स को हैर किया हुआ था, तय किया हुआ था, मुकर्रर किया हुआ था, उसका काम यह था कि बार बार ग्यारह बगारे मौका पर मौका हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मौत की याद दिलाता है। एक वक्त आया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स को महजूर कर दिया, हटा दिया और फरमाया कि तुम्हारी अब मुझे जरूरत नहीं, मेरे बाल सफेद हो गए, मुझे मेरे बालों की सफेदी अब मुझे मेरी मौत याद दिलाने के लिए काफी। भाई वक्त का गुजरना, सेहत का गिरना, औलादों की औलाद यानी पोतों का हो जाना, तरक्की पा लेना, उम्र दराज हो जाना, ये सब मौत के अलार्म है, अलार्म ये झंझोड़ते हमें कि तैयारी का वक्त है। इसमें खुशी मनाने वाली बात क्या है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम खुद भी बचे, घर के बच्चों को, नौजवानों को भी इससे बचाए, वरना देवों के तरीके पर चलते चलते अल्लाह की बना कहीं ऐसा ना हो कि मुर्तद और इंकिदार की नहर फैल जाए, और गैरों की मुशावरत की इख्तियार करने की वजह से हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए। कितने कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस्लामी महीनों के मुकम्मल नाम याद, मुहर्रम अल हराम, सफर अल मुज़फ़्फ़र,
कि उन जानवरों की खाल से, उनकी ऊन से, उनके बालों से तुम सर्दी के कपड़े बनाते हो। इस पर अल्लाह की ने इस नेमत पर शुक्र अदा करो। पान में ना इज्जत फरमाए, हमारे इधर रही नहीं जाता, मौसम आया हमने यूज किया होता तो नहीं भाई, ये भी अल्लाह की नेमत है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इसको नेमतों में ही पाया। और आखिर में तीन बातें आती है कि सर्दी के मौसम में तीन काम ऐसे हैं जो हर मोमिन को करने चाहिए, जो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ तीन काम। सबसे पहला काम, और ये तीनों काम हदीस में मौजूद है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, दीवानी में मौजूद है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अश्शिता व रबीउल मुमिन قصر نهاره فصام وطال ليله فصام। ये जो सर्दी का मौसम है ना, ये मोमिन के लिए आमाल के एतबार से बहार का मौसम है। जिस तरह बहार के मौसम में एक खेती करने वाले को बड़ा नफा हो रहा है, इसी तरह मोमिन को सर्दी के मौसम में बड़ा नफा हो सकता है अगर हो जाए। शिकार और बिल मोमिन, ये मोमिन के लिए बहार का मौसम है। तो इसमें पहला काम क्या करना है, फसाम। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सर्दियों के दिन छोटा होता है, तो इस दिनों में, सर्दी के दिनों में रोजा रखो। और तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल गनीमत अल बारिदा अस्सौम फी शिता, कि सर्दी में, सर्दी के मौसम में रोजा रखना ये गनीमत बारिदा है, बगैर किसी मशक्कत तकलीफ और भूख प्यास के आदमी को रोजे का सवाब हासिल हो सकता है। और रोजा इतनी बड़ी इबादत है, अल्लाह फरमाए कि मैं इसका बदला खुद दूंगा। रोजे का सवाब किसी फरिश्ते को मालूम नहीं। रोजा वो इबादत है जो जहन्नम से बचाने वाली इबादत है और ढाल बन जाती है मोमिन की। रोजेदारों के लिए जन्नत में अलग से एंट्री के लिए अलग से दरवाजा है, गेट है। आप बोल रहे यहां रोजा इतनी है निबादत, तो किसी के रमजान के कजा रोजे किए, किसी के नजर के रोजे हैं, खवातीन के रोजे कजा हो गए, खवातीन के रोजे हैं, उनको चाहिए कि इन सर्दी के दिनों में, छोटे दिनों में अपने रोजे पूरे करें। और अगर किसी के जिम्मे कोई रोजे नहीं है कजा के, तो भी नफल रोजे रखें और अपनी आखिरत को कमाएं। तो भाई पहला काम है इन छोटे दिनों में रोजों की कसरत करें, और दूसरा काम वो भी हदीस में मौजूद है, फरमाया वताल लैलुहु फताम, सर्दी की रात लंबी होती है। आदमी अगर सर्दी की रात में जल्दी सो जाए, जल्दी आराम करने के लिए लेट जाए, तो हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को जितने आराम की जरूरत है, उसके बाद आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी, तहज्जुद में आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी अगर हम जल्दी सोए। हम शिकायत करते थे सर्दी की रातें लंबी होती है, मगर फिर भी हमारी तहज्जुद में आंख नहीं खुलती है। अल्लाह के बंदे, तो सर्दी की रात को दिन बनाया हुआ है, रात में पूरी रात गपशप और ठट्टेबाजी में गुजरती है, और जब आखिरी पहर होता है, जब बिस्तर पर जाता है, तो कहां से आंख खुलेगी। सर्दी की रात में अगर बंदा जल्दी बिस्तर पर चला जाए, तो जल्दी उसकी आंख खुल सकती है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रात लंबी होती है, तुम सर्दी की रातों में तहज्जुद का इंतजाम करो। एक ताबीई का वाकया है, जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो रोने लगे और फरमाया मा अबकी अला दुनिया तुम रहबतन फिहा, कि मैं तुम्हारी दुनिया की रहबत की वजह से नहीं रो रहा कि मुझे और उम्र मिलती, और माल और दौलत मिलता, और जिंदगी मिलती, इसलिए नहीं रो रहा। वलाकिन अबकी अला ज़मई हवाली व क़याम लैली शिता, मैं इसलिए रो रहा हूं कि गर्मी के दिनों में अल्लाह के लिए रोजा रखते हुए प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने में जो मजा आता था, और सर्दी की रातों में नरम और गुदास बिस्तर छोड़कर पानी से मुकम्मल वजू करके अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़ने में जो मजा आता था, अब मरने के बाद वो मजा मुझे नसीब नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी मौत पर रो रहा हूं। भाई ये है रातों का फायदा उठाने का तरीका। अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई है कुरान में तहज्जुद पढ़ने वालों की। और हाँ, याद रखिए, ये रात का उठना और उठकर अल्लाह के सामने सजदा करना, ये ऐसी इबादत है जो बड़े से बड़े बिगड़ों को बना देती,
ये अल्लाह से राज और नियाज की बात है। हाँ हाँ, ये वही वक्त है जिस वक्त रहमत के, मगफिरत के, अता के दरिया बहाए जाते हैं। हाँ, यही वो वक्त है जिस वक्त रहमत के खजानों के मुंह और दहाने खोल दिए जाते हैं। यही वो वक्त है शहर का, तहकीक का, जिस वक्त ऐलानों पर ऐलान होते हैं कि है कोई जो अपनी बख्शिश का आए, है कोई जिसको कुछ मांगना हो तो हम उसकी मदद पूरी कर दे। यूं मांगने का वक्त है, हमने मांगने छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बड़े फायदे बताए तहज्जुद की नमाज। फरमाया वल्लज़ुन्नतुन इला रब्बिकुम, कि रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने से तुम बहुत जल्दी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लो। फरमाया मग़फ़िरतुन लिस्सय्यिआत, कि इस तहज्जुद की नमाज से तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बड़ा मुजाहदा है। सख्त नींद आती है, उस वक्त गर्म बिस्तर होता है, सर्दी की शिद्दत है, उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा उठकर वजू करके अल्लाह के सामने सजदा करता है, बड़े मुजाहदे हैं। इसकी बरकत से गुनाह ऐसे माफ हो जाते हैं जैसे उसने आज ही दुनिया में जन्म लिया। और आगे बढ़िए, हजरत अयास इब्ने मुआविया मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह से मुसलम की रिवायत में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी तहज्जुद में आंख नहीं खुलती तो चाहिए कि नियत करके सोए, अल्लाह नियत का सवाब उसको देंगे। और अगर हर हाल में उसकी आंख नहीं खुलती तो इशा के बाद जब बिस्तर पर जाने लगे सोने के लिए तो उस दो रकात नफिल तहज्जुद के लिए से पढ़े, अल्लाह उसको भी मुतहज्जिदीन में लिख देंगे। दो रकात पढ़ना क्या मुश्किल है भाई, जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाओ, वजू करके मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह की नेमतों को याद करके रो, अपने गुनाहों को याद करके रो कि अल्लाह मेरे गुनाह इतने हैं, मैं इस लायक नहीं कि तेरी फिजा से, हवा से सांस ले सकूं, तेरी नेमतों को इस्तेमाल कर सकूं, अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो, तन्हाई में याद करो। ये अमल हमारे नक्शे बदल कर रख देगा, कोई मुश्किल नहीं। दो रकात पढ़ने में कितना वक्त लगता है, रात को बिस्तर पर जाकर हम दूसरे काम कर सकते हैं, क्या पांच मिनट नमाज के लिए नहीं दे सकते? तो भाई दूसरा काम सर्दी के मौसम का है, रोजा रखना और तहज्जुद का एहतमाम करना। और तीसरा काम है मौसम के लिहाज से फुकरा, मुस्तहिकी, मसाकीन, यतामा, जी इनकी मदद है। कोई रिश्तेदार भी कोई गरीब है उसके लिए सर्दी में बचाव का सामान मुहैया कर दे, कोई यतीम है, कोई फुटपाथ पर लेटा हुआ है उसके लिए कंबल का, ओढ़ने का, बिछाने का इनका इंतजाम कर दे। और ये इतना बड़ा अमल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया जिसने अपने मुसलमान भाई की एक जरूरत दुनिया में पूरी की, मन नफस अन कुर्बति अखी फि दुनिया नफस अल्लाहु कुर्बतहु मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी मुश्किलों को आसान कर देंगे। अल्लाह की तरह हम किस दौर में हम जिंदगी गुजारे, आज इतनी नफरत है हमारे दरमियान, एक इंसान दूसरे इंसान का मुंह तक नहीं देखना चाहता, दूसरे की तरफ भी बर्दाश्त नहीं होती, दूसरे की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाता, ये कैसा दौर है? ओ भाई छोड़ दो ये जात पात और ये रंग बिरंग के फिरने और इख्तिलाफ, एक दूसरे की मदद करो, दिल को वुसअत में, दिल में वुसअत पैदा करो और दिलों में नीयतों में वुसअत पैदा करो। फिर देखो जब आप किसी गरीब की मदद करेंगे ना और उसके दिल से जो आह निकलेगी और जो दुआ निकलेगी वो हमारा मुकद्दर चमका दे, वो हमारे नसीब चमका दे, हमने ये काम करने छोड़ दिए जो हमें करने चाहिए और झगड़े फितने और फसाद में। तो भाई सर्दी के मौसम से मुताल्लिक ये तीन काम हर बंदा करने की कोशिश करे, इसको हर आदमी कर सकता है। रोजा रखना सर्दी में दिन छोटा होता है, तहज्जुद पढ़ना रात लंबी होती है, किसी गरीब की मदद करना ये तो बहुत आसान काम है जी, आपकी जितनी वसाइल है उसके हिसाब से किसी गरीब की मदद कर दी। आखिर में पेंडेमिक से मुताल्लिक थोड़ी सी बात समझ ली थी कि हर चीज का इलाज, हर बीमारी का सबसे बेहतरीन इलाज एहतियात और परहेज है। दवाई से भी बेहतरीन इलाज एहतियात और परहेज है। एक आदमी दवाई भी खाता है और परहेज ना करे तो कोई उसकी बीमारी में इजाफा नहीं होगा।
ये ऐसा ही होगा जैसे आटा चलने की चलने में पानी भरना। तो भाई इस वबाई बीमारी से अगर हम बचना चाहते तो एहतियात परहेज करें। ये सुन्नत है एहतियात और परहेज करना, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बीमार थे और खजूरें खाने लगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया मत या अली रुक जाओ ए अली, فان بك نقاهه، इसलिए कि तुम अभी कमजोर हो, तुम्हारे अंदर बीमारी का असर है, एहतियात करो परहेज करो। परहेज करना भी सुनते हैं हम ये कहते थे बार दफा जोश पे आकर कि जी जो होगा बस हो जाएगा, अल्लाह के अपने डरने वाली जात है, हम नहीं डरते कि हम नहीं कहते एहतियात। मियां ये तवक्कुल के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ तुम बोल रहे हो, एहतियात करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा दरख्वास्त की अल्लाह के नबी, मेरी ओढ़नी है मैं इस तवक्कुल करके इसको खुला छोड़ दूं। फरमाया नहीं, इसकी रस्सी को बांधो फिर तवक्कुल करो। यह है तवक्कुल का तरीका, असबाब इख्तियार करो उसके बाद अल्लाह के हवाले करो, एहतियात करो और अल्लाह से पना मांगो कि अल्लाह हम एहतियात कर रहे हैं, हमें इस बीमारी से बचा। ये है तरीका। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर्रा मिनल मजजूम फिर्रा मिनल असद, कि कोड़ के मरीज से ऐसे दूर भागो जैसे तुम शेर से डर कर भागो। इस्लाम को यह एहतियात सिखाता है। कितने लोग ऐसे जोश में आकर बोल देते और बेएहतियात ही करते, ओ भाई एक दफा तो बदनाम हो चुके, अब इस दफा बदनाम होने से अपने आप को इस्लाम को बचाओ, एहतियात करो। और जो जो चीजें बताई जा रही है मास्क का पहनना और ये सब चीजें, इनमें इनका इनको इख्तियार करो, ये कोई तवक्कुल के खिलाफ नहीं। जान का बचाना जरूरी है, हत्ता कि यहां तक लिखा है मसला, अगर एक आदमी नमाज पढ़ रहा है सामने से कोई नाबीना अंधा आदमी गुजर रहा है और उसके सामने कुआं है और यकीन है कि वो कुआं में गिर जाएगा, तो मसला शरीयत की इजाजत देती है कि नमाज तोड़ दे और अपने नाबीना भाई की जान बचा। जान बचाना इतना जरूरी। बेल्जियम का अभी पिछले हफ्ते का वाकया है, बॉक्सिंग का मशहूर बॉक्सर वो मजाक उड़ाता था बीमारी का कि ये कोरोना कोई चीज नहीं, ये मेरा कुछ नहीं बीमार हो सकती, पिछले हफ्ते उसका इसी बीमारी से इंतकाल हो गया। तो भाई वबाई बीमारियां इससे पहले भी आई हैं और ये आती रहेंगी, बस अल्लाह से पना मांगे और एहतियात करें। एहतियात जब तक हम नहीं बरतेंगे तब तक कोई भी चीज हमारे ऊपर मुअस्सिर नहीं होगी। बहुत ज्यादा हो गया, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, एक बुजुर्ग के मुरीद पहाड़ पर चढ़ गए और कहने लगे जो होगा अल्लाह करने वाला है, मैं पहाड़ पे से नीचे कूद रहा हूं, मैं पहाड़ पे से नीचे कूद रहा हूं, मुकद्दर में जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। तो उन बुजुर्ग ने समझाया मियां तुम दुनिया में अल्लाह का इम्तिहान लेके आए हो कि अल्लाह मुझे बचाता है कि मारता है, तुम्हारा इम्तिहान होने के लिए तुम दुनिया में आए हो, इम्तिहान लेना अल्लाह का काम है तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम एहतियात बरतो पहाड़ पर से नीचे ना कूदो। भाई हमें एहतियात बरतनी। खुलासा, नए साल का जश्न ना मनाओ, मौत को याद रखो, सर्दी के मौसम में तीन काम करो, रोजा दिन को रात को टारगेट, गरीबों की मदद करो और इस पेंडामिक के दौर में एक दूसरे के साथ एहतियात बरतो। अल्लाह ताला हम सबको के नसीब से ज्यादा अपनी तौफीक अता फरमाए।